नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जब से कैग की रिपोर्ट में मोदी सरकार पर घोटालों का आरोप लगा है, तभी से राजनीति गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर विपक्षी दल मोदी पर हमलावर हैं, क्योंकि अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी दूसरी पार्टियों को घेरती है। इसी बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक ने नितिन गडकरी को एक बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या नितिन गडकरी इंडिया एलायंस में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। पिछले दिनों बीजेपी की वॉशिंग मशीन को लेकर गडकरी ने कहा था कि पार्टी का साबुन इको फ्रेंडली है। इसके बाद माना जा रहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी पर ये तंज कसा है, और अब खबरें हैं कि उन्हें उद्धव गुट से इंडिया में शामिल होने का ऑफर मिल गया है। इतना ही नहीं, ऑफर तो पीएम पद के लिए भी उन्हें दिया गया है। दरअसल रत्नागिरी सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से विधायक विनायक राउत ने एक बयान देकर सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के गडकरी का नेतृत्व लोकप्रिय हो रहा है। दिल्ली के अंधे नेताओं ने नितिन गडकरी की कहानी को समाप्त करने की साजिश रची है, क्योंकि गडकरी कल प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। महाराष्ट्र इस साजिश को नाकाम करने का काम करेगा। हम नितिन गडकरी से अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें मराठी मानुष की तरह बताएं। इतना ही नहीं, विनायक ने यह भी कह दिया कि नितिन गडकरी को किसका डर है जो वो इंडिया में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने क्या कहा, देखिए, गडकरी उनसे किस बात से डर रहे हैं, उन्हें बस आवाज देनी चाहिए। नितिन गडकरी को इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए। इसके बाद जब तक हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना देते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। यही वादा उद्धव ठाकरे भी करेंगे। वैसे नितिन गडकरी को काफी साफ सुथरी छवि वाला नेता माना जाता है। वो आरएसएस से निकले बीजेपी के एक ऐसे शस्त्र हैं जिन्होंने कभी बीजेपी को निराश नहीं किया, और यही कारण है कि विपक्षी भी नितिन गडकरी के मुरीद हो जाते हैं। लेकिन इस बीच कैग की रिपोर्ट ने सभी को चकित कर दिया। इस पर विनायक राउत की तरह ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। कांग्रेस नेता विजय वटेट्टीवार ने कहा है कि नितिन गडकरी को सत्ता से निकालने के लिए ये साजिश रची गई है। कैग रिपोर्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल बीजेपी के आंतरिक राजनीति के तहत नितिन गडकरी को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। हर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने के बावजूद कैग ने सिर्फ नितिन गडकरी के विभागों पर सवाल खड़े किए, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। वैसे तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन्हें किसी दूसरी अन्य पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला हो। इससे पहले नितिन गडकरी ने खुद बताया था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा था कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि नितिन गडकरी इस ऑफर पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वैसे आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।